साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद संजय राउत को बाहर निकालने के लिए पूरी जोर आजमाइश चल रही है। पार्टी और सपोर्टर्स के साथ ही परिवार भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि कैसे भी संजय राउत को जेल से बाहर निकाल लिया जाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा। संजय राउत अब तक दो बार जमानत याचिका लगा चुके हैं, मगर एक बार तो जमानत याचिका खारिज हो गई और दूसरी बार बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए कोर्ट की तरफ से 16 सितंबर का वक्त दिया गया है। अब राउत और उनका परिवार अच्छी तरह जानता है कि मुंबई के वकील जमानत नहीं दिलवा पाएंगे, इसीलिए संजय राउत के भाई सुनील राउत ने अब दिल्ली का रुख किया है और वहां जाकर बड़े बड़े और नामी वकीलों से मिलने की कोशिश भी की है ताकि संजय राउत को जेल से रिहाई मिल पाए। अब दिल्ली पहुंचकर सुनील राउत किन किन वकीलों से मिलने गए और क्या कुछ रहा वहां? क्यों दिल्ली के बड़े वकील संजय राउत का केस लड़ने में दिलचस्पी नहीं ले रहे, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आपको आर्यन खान केस याद ही होगा, जब शाहरुख खान ने मुंबई के एक से बढ़कर एक वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, मगर कोई भी शाहरुख के बेटे आर्यन को जमानत नहीं दिलवा पाया था। शाहरुख के बेटे आर्यन को तकरीबन एक महीने तक जेल में रहना पड़ा था और शाहरुख ने जमानत के लिए एडी से चोटी का जोर लगा दिया था। इसके बाद शाहरुख ने भी दिल्ली के नामी वकीलों के जरिए मुकुल रोहतगी से संपर्क किया और तब जाकर आर्यन खान को जमानत मिल पाई। वहीं नवाब मलिक और अनिल देशमुख भी मोटी रकम वाले वकीलों के जरिए कोर्ट जा चुके हैं, मगर उन्हें भी अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है और इस बात को राउत और उनका परिवार अच्छी तरह समझता है, इसीलिए संजय राउत के भाई सुनील राउत ने सीधे दिल्ली का रुख किया है ताकि वहां जाकर नामी वकीलों से संपर्क किया जा सके और राउत को जेल से बाहर निकालने का तोड़ निकाला जा सके। अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक सुनील राउत बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली गए, मगर उनके हाथ वहां कुछ भी नहीं लगा। सूत्रों की माने तो सुनील राउत ने दिल्ली के 5 वरिष्ठ वकीलों से अपॉइंटमेंट भी ली, मगर सिर्फ 2 से ही मुलाकात हो पाई, वो भी लंबे इंतजार के बाद। अब दिल्ली के बारे में आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में एक से बढ़कर एक और नामी वकील है, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल सुब्रमण्यम, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल और पराग त्रिपाठी जैसे एक से बढ़कर एक दिग्गज वकील हैं। ये सभी ऐसे वकील हैं जो एक एक सुनवाई का 10-10 लाख रुपया लेते हैं, सिर्फ एक एक सुनवाई के लिए मोटी मोटी रकम वसूलते हैं। और सुनील राउत की कोशिश थी कि वो इनमें से किसी वकील को संजय राउत के केस के लिए एग्री करवा पाए, मगर हुआ क्या वो देखिए। सामने आ रहा है कि सुनील राउत ने इन सभी सीनियर एडवोकेट से मिलने के लिए समय मांगा था, मगर वो सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल से ही मिल पाए, वो भी सुनील राउत से इनकी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई बल्कि उनके स्टाफ से ही मिलने का मौका मिला। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक मनु सिंघवी के स्टाफ के हेड से मिलने के लिए सुनील राउत को करीब 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद मुलाकात तो हुई मगर किसी भी तरह की बात नहीं बन पाई। सामने आया है कि सिंघवी के पर्सनल असिस्टेंट ने सुनील राउत को साफ इनकार कर दिया कि उनका केस वो नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। इसके बाद सुनील राउत ने और भी कई वकीलों से मिलने की कोशिश की मगर कहीं पर भी बात नहीं बन पाई। आखिर में सुनील राउत को कपिल सिब्बल के ऑफिस से मिलने का वक्त दिया गया, मगर वहाँ भी कपिल सिब्बल खुद मौजूद नहीं थे और अभी सुनील राउत को मना भी नहीं किया गया मगर कंफर्म भी नहीं कहा कि कपिल सिब्बल संजय राउत के केस के लिए मुंबई आ जाएंगे, पर हाँ मना भी नहीं किया गया। यहाँ पर भी सुनील राउत की कपिल सिब्बल से नहीं बल्कि सिर्फ उनके स्टाफ के हेड से ही मुलाकात हो पाई, यानी कि हर तरफ से निराशा के बाद सुनील राउत को कपिल सिब्बल के ऑफिस से थोड़ी सी राहत मिली है, मगर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कपिल सिब्बल मुंबई आएंगे और संजय राउत का केस लड़ पाएंगे। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ एक जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए हो रहा है। सुनील राउत इतने वकीलों से सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं ताकि वो 16 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए मुंबई आ सके, क्योंकि उसी दिन कोर्ट की तरफ से ईडी को अपना जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया है और ईडी अपने जवाब के जरिए कोर्ट को अपने पक्ष में करना चाहेगी। ईडी की पूरी कोशिश होगी कि संजय राउत को किसी भी कीमत पर जमानत ना मिल पाए, इसीलिए सुनील राउत अब दिल्ली के वकीलों की मदद से संजय राउत को जेल से बाहर निकलवाना चाहते हैं।
अब वैसे तो मुंबई में भी वकीलों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक दिग्गज और सीनियर वकील मुंबई में हैं। मगर नवाब मलिक और अनिल देशमुख के केस से सबक लेते हुए सुनील राउत ने दिल्ली आने का फैसला किया। सामने तो ये भी आया है कि जब सुनील राउत और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी तब दोनों में वकील को लेकर भी चर्चा हुई थी और उद्धव ठाकरे की सलाह पर ही सुनील राउत दिल्ली आए और वकीलों से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि संजय राउत को लेकर 16 सितंबर को कोर्ट में क्या होगा। क्या दिल्ली के किसी नामी वकील की मदद संजय राउत को मिल पाएगी? क्या संजय राउत की जमानत के लिए वकील कोर्ट को मना पाएंगे? अब ये सब 16 सितंबर को ही पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है, सुनील राउत का दिल्ली दौरा कितना सफल रहेगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। शिवसेना सांसद संजय राउत के भाई सुनील राउत को अचानक मातोश्री में बुलाया गया। अब मातोश्री की महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में मातोश्री में होने वाली मुलाकातों का हमेशा से बड़ा रोल रहा है। आज से ही नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे के वक्त से और उद्धव ठाकरे ने भी अपनी सारी अहम मुलाकातें मातोश्री यानी कि अपने आवास में ही की है। और उद्धव ठाकरे द्वारा यूं अचानक सुनील राउत को अपने निजी आवास यानी कि मातोश्री में बुलाए जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। यहां आपको बता दें कि सुनील राउत संजय राउत के भाई हैं और संजय राउत इस वक्त मुंबई के गोरेगांव पात्राचौल घोटाले मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रखा गया है और अभी 19 सितंबर तक उन्हें इस जेल में रहना है। इसके बाद सुनवाई होगी और कोर्ट के फैसले के बाद ही संजय राउत की आगे की दशा और दिशा तय होगी। लेकिन इसी दरमियान सुनील राउत ने आज यानी कि 9 सितंबर को मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सामने आया कि खुद उद्धव ठाकरे ने सुनील राउत को इस मुलाकात के लिए बुलाया और वो भी एकदम अचानक। अब इस मुलाकात के बाद खुद सुनील राउत ने मीडिया से बात भी की और बताया कि आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा। तो मीटिंग की इनसाइड स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे, मगर पहले देखिए कि सुनील राउत ने मीडिया से क्या कुछ कहा। तो सुनील राउत ने मातोश्री से बाहर निकलकर मीडिया के सामने कहा कि उद्धव ठाकरे हमारी पार्टी के प्रमुख हैं। संजय राउत को गलत तरीके से जेल में रखा गया है। उद्धव ठाकरे न सिर्फ शिवसेना पार्टी के प्रमुख हैं, बल्कि वो हमारे राउत परिवार के भी मुखिया हैं। इसी नाते उन्होंने आज मुझे बुलाया था। उद्धव ठाकरे ने हमारे परिवार का हालचाल भी पूछा। संजय राउत को जमानत कब मिलेगी, इस सवाल का जवाब देते हुए सुनील राउत ने कहा, संजय राउत ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। मुझे पूरा विश्वास है कि संजय राउत द्वारा कोई गुनाह ना किए जाने की वजह से कोर्ट उन्हें बहुत जल्द जेल से रिहाई दे देगी। आगे देखिए, अब मुंबई के शिवाजी पार्क में इस बार शिवसेना की दशहरा रैली कौन करेगा, ठाकरे गुट को मौका मिलेगा या फिर शिंदे गुट करेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए सुनील राउत ने कहा कि दशहरा रैली शिवसेना की ही होती आई है, यह इतिहास है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की शुरुआत की थी। आगे चलकर उद्धव ठाकरे ने इस परंपरा को कायम रखा। कोई कुछ भी दावा करे, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा और गद्दार तो गद्दार ही रहेंगे। सुनील राउत ने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपने निशाने पर लिया और कहा कि वैसे तो ये शिंदे सरकार है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सरकार देवेंद्र फडणवीस ही चला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिहाज से ज्यादा मजबूत थे, उन्होंने जो काम किया है उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। अब कुछ इस तरह सुनील राउत ने हर सवाल में उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ की। वहीं आपको मीटिंग में क्यों बुलाया गया, इस सवाल पर सुनील राउत कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। बस इतना ही कहते रहे कि उन्होंने परिवार का हालचाल जानने के लिए उन्हें बुलाया था। जबकि अंदर से जो खबरें आ रही है उसका सारांश ये है कि उद्धव ठाकरे अब समझ चुके हैं कि संजय राउत इतनी जल्दी जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव तक संजय राउत जेल से बाहर ना आ पाए, इसीलिए उद्धव ठाकरे अब सुनील राउत को संजय राउत की जगह देने की प्लानिंग में हैं। जिस तरह संजय राउत अपनी चपलता और चालबाजी से उद्धव की सरकार को हर मौके पर बचाते और संभालते आए हैं, अब वो ही जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे सुनील राउत को देना चाहते हैं। अब जेल में रह रहे संजय राउत के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर उनकी कुर्सी छिन गई, उद्धव की पार्टी में उनकी जगह उनके भाई को बिठा दिया गया तो एक तरीके से संजय राउत का करियर पूरी तरह चौपट हो जाएगा और रही सही कसर ईडी तो निकाल ही रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है उद्धव ठाकरे के मन में?
उद्धव ठाकरे और सुनील राउत की मीटिंग का संजय राउत पर कितना और कैसा असर पड़ेगा, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।